अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज का व्लॉग हम फिर कहीं जा रहे हैं, हवेलियाँ साइड पे जा रहे हैं, तो बस कुछ काम है, तो चलें आपको हम अपने साथ लेकर चलते हैं और आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला स्टॉप आ चुका है। आज हमारी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही गंदी थी क्योंकि कल बारिश होती रही है, तो इस वजह से फिर अभी हम वॉश कर रहे हैं। ये देखें, ये आवाम है जो हमको तंग करती है, फिर कहती है। तो जी अभी हम जी अपनी गाड़ी धुलवाते हैं, फिर देखते हैं कितने वक्त निकलते हैं। एक बज चुका है। तो गाइस, आज कार वॉश में इतनी ज्यादा रश है, इतनी ज्यादा रश है कि हम काफी देर हो गया अब उधर ही बैठे हुए। आधा घंटा हो गया। कहीं और से धुलवा लेते। तो जी अब हमारी गाड़ी का ये डोर खोलेंगे, टायर मोड़े। अभी हमारे टायर के नीचे मार रही है पानी, फिर हम कुछ देर बाद मशीन के अंदर होंगे और फिर मशीन हमारी गाड़ी को थप्पड़ मारेगी और फिर हमारी गाड़ी इंसान की बच्ची बन जाएगी। सही सेटिंग कर दी है ने। नाइस, गुड जॉब। तो यहाँ का ये अब हम सारे इधर ही नमाज पढ़ लेते हैं और फिर हम निकल जाते हैं। एक भाई हमारा नवाब है, दूसरा भाई बेचारा हमारा वो खड़ा होकर गाड़ी को लगा हुआ है। अहमद साहब के यहाँ बाल सेट हो रहे हैं। अहमद क्या कहना चाहेंगे, नवाब साहब आप क्या कहना चाहेंगे? नवाब साहब आपके सर में दर्द है नवाब साहब, तुम्हारी आंखों में हल्के हैं, आंखों के नीचे हल्के। आपको जैसे के पता है खावतीनो हजरात, हम खाने के बिना कहीं नहीं जाते। हमारा सबसे पहले काम ही खाना है। कीश बड़े मजे की थी, तो अब हम फिर से खाना खाने आए हैं। फातिमा कीश बड़े मजे, हमने पराठे रखे हुए हैं बट अब इसका मैं हाँ बोलो कीश बड़े मजे की थी। हाँ वो मैं लाऊंगी, उधर फातिमा काम करी मेरा। हाँ ये तहजीब का, हम तहजीब आए हैं। फातिमा कीश बड़े मजे की थी यार। अच्छा यार अहमद, अच्छा मेरे भाई, अच्छा। अब हम खाली आज वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला। अब देखते हैं हमारा अगला पड़ाव कहाँ होता है। पड़ाव सही सही बोले हैं। क्योंकि हमारे बड़े भाई की चीज़ नहीं मिली इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अगर हमारी चीज़ होती ना तो ले लो। खैर आज बैठो बैठो, आप बैठो। तो गाइस अभी हम मोटर वे पे चढ़ चुके हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं। पराठा चाय हमें लेकर आएंगी और पराठे अंडे खा रहे हैं। काफ़ी नहीं है मज़ा आया है, काफ़ी ऑन द वे हम अपना नाश्ता करते हैं। अब हम हवेलियाँ के अयूपुल पे पहुँच गए हैं। ये पुराना पुल हवेलियाँ का और वो उस तरफ नया पुल। हाँ लेकिन अब वो टूट गया है, अब ये नया हो गया। अब वो पुराना हो गया है, ये नया हो गया। ये हाँ ये दौड़े हैं, दौड़े नहीं दरियाए दौड़ है। यहाँ पे बड़े से शुरू होता है
और तरबेला डैम में जा डूबता है। डूबता है ठीक है जी गाइस, ये दरिया दौड़ा ठीक है, इसको दौड़े कहते हैं हम लोग। इधर नीचे ट्रक श्रक धुल रहे होते हैं। अब जी अब हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं, तारीखी पुल है वो वाला छोटा। हाँ अभी हम आपको दिखाएंगे हवेलियां का तारीखी पुल। ये कितना पुराना है मैं अभी बताता हूँ, इसकी पूरी तारीख है मेरे पास। अच्छा अच्छा चलिए शुरू करें। ये जी बाबे हवेलियां है, ये ऊपर हवेलियां का तारीखी पुल है। ये इतनी इसकी तारीख इतनी पुरानी है, लामा इकबाल और कायद आजम यहाँ पे नहीं वो नहीं आए कभी, उनसे कोई लेना देना नहीं है इसका। तो ये है कि वो लियाकत अली खान एक दफा आए थे यहाँ पे, लेकिन वो पीछे से गुजर गए थे, वो भी नहीं आए यहाँ पे, उनका भी लेना देना नहीं, लेना देना इस पुल से कोई नहीं है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी तारीख है, लेना देना कोई नहीं उनका, किसी का लेना देना नहीं है, मगर तारीख बहुत बड़ी है, तारीख बहुत बड़ी है इसकी। अब यहाँ की मंडी शुरू हो जाएगी, अब ये हवेलियां की मांदी होगी, ये हवेलियां की खावतीन है। ये औरतें यहाँ की अमंगस नहीं है, वो जो नहीं होते जिसमें वो होता है अमंगस, पौधों का सीजन आ गया है और ये हवेलिया में पौधों का सीजन चल रहा है, तो पौधे ही पौधे आपको नजर आएंगे, पर हमारा इनसे भी लेना देना और हमारा इनसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये हवेलिया में पानी का मसला बहुत बड़ा है, यहाँ पे लोग पानी बाल्टियों में भर के लेके जाते हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक रहती है, लेकिन हमारा लेना देना कोई नहीं। ये देखे ये फ्रूट बिक रहे हैं, ये अंकल देख रहे हैं आप, इनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर खरीदेंगे नहीं, हम नहीं खरीदते, हम खरीदते नहीं है। तो जी आप वो देख रहे हैं वो दुकान वाला, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है ठीक है। अभी 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 हम आपको चौक दिखाते हैं, ये देखे ये सब्जी मंडी वाला देख रहे हैं अंकल आप, इससे भी हमारा कोई जानते नहीं हम। अब हम आपको दिखाएंगे, अब हम आपको दिखाएंगे चौक है, मशहूर चौक है, मीर मावीया चौक इसको कहते हैं जी। ये चौक यहाँ से मुड़ जाओ तो इस तरफ मुड़ो तो कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, इस तरफ मुड़ो तो थोड़ा बहुत ताल्लुक होता है। और यहाँ पे यहाँ से चावल छोले मिलते हैं, यहाँ के मशहूर है जब भी लेकिन नहीं अंकल से हमारा फिर भी कोई लेना देना नहीं है, है इनसे, है इनसे मैं नहीं जानती हूँ कौन है अजी भाई, मेरा नहीं है, जिनका है उनका है। अच्छा, ये गली है जहाँ हमारा अंदर अबाई घर है, कभी 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 अगर जिंदगी रही तो मैं जरूर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, आज अबाई घर बंद है क्योंकि आज बंद है, लेकिन कभी जरूर मैं। तो जी ये है यहाँ का आखिरी स्टेशन, पाकिस्तान का लास्ट स्टेशन है यहाँ पे स्टेशन, इसलिए हवेलियाँ इसलिए भी हवेलियाँ बहुत मशहूर है, गांव-गांव जाती है ये सारी आगे वाले गांव, रजोइया हरजोइया और नरजोइया, फिर वहाँ से नथिया गली एंड घोड़ा गली से होती हुई वापस हवेलियाँ जाती है। हाँ ये के स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है क्योंकि अभी आ रही होगी, जो अगला गाँव रजोइया फिर उससे आगे नरजोइया। ये गांव के नाम है जो अली भाई अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, फिर उससे आगे सज्जीकोट, आप शार सुना ही होगा आपने। हाँ सज्जीकोट हमने सुना, हमने देखी नहीं है। हाँ, हमारे इधर इलाके के पास है ये। हाँ, ये हमारा करीब है लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ, हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो इसलिए हम जाते ही नहीं है। तो जी ये अभी हम फंसे हुए, ये देख रहे हैं अभी हमें, हम आपको स्टेशन दिखाते हैं, पाकिस्तान का नॉर्दर्न साइड का आखिरी रेलवे स्टेशन है। yes. और इससे आगे चाइना बॉर्डर तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। yes. पर हमारा इससे भी कोई ताल्लुक नहीं। तो ये यहाँ का लास्ट स्टेशन, ये हमारे एक दोस्त है पर उनसे हमारा ये स्टेशन है, ये स्टेशन हम बचपन में बड़ा आते थे, बड़ा शुक्र लगाने का दिल था हमारा स्टेशन से ना, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो जैसे आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था तभी हम स्टेशन के पास रहते थे और यहाँ पे हमारा जो दादो का घर है वो भी स्टेशन के। आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे, देखे उड़ा है ड्रोन शॉट देख रहे हैं आप, ये हमारा ड्रोन है।
बाय बाय। ये मारे ये लोग हमको उतार के खुद अब गाड़ी पे चले गए हैं बेशरम लोग। ये देखें ये मुर्गियाँ यहाँ की, ये पटरी, ये देखें ना मैंने जैसे आपको बताया उस टाइप पे इस यूं पटरी जाती है, वो हरिपुर ले जाती है, यहाँ से आगे जाओ तो स्टेशन ख़त्म। तो ये रहा सारा, ये पहाड़ है, ये पहाड़ आर्मी के हैं, ये सारे पहाड़ पहुँच गए हैं। अब हम शॉर्टकट मारने की ट्राई करते हैं, देखते हैं हम होंगे कामयाब के नहीं। ये रही पटरी, पटरी पे चढ़ो, ये ग्राउंड पे लोग खेल रहे हैं, ये यहाँ का ग्राउंड है, ये देख सकते हैं आप, फिकाई छुड़ा रहे हैं। हम बैठे, हमें यकीन नहीं आया तुम लोग हमें बिठा रहे हो। वो देखे वो नथिया गली, नथिया गली में बर्फ पड़ी है, आपको दिख रहा होगा पड़ी हुई है, ये नथिया गली नजर आ रहा है। ये बकरा बकरी के साथ लगाए थी बकरे ने, मैं नहीं जाना और कन्ने तो पकड़ के बकरे को, ये चेहरा बकरा कब्रिस्तान आए थे अपने बाबा से मिलने खाने के लिए, तो बहुत मुश्किल होता है कब्रिस्तान में, कभी वो नहीं था कि हमें आना पड़े, तो बहुत हार्ड पड़ा। शोर की आवाज़ आ रही होगी, अब वहाँ से ट्रेन गुजर रही है, हमारा और ट्रेन का बड़ा पुराना वास्ता है, हम और ट्रेन आपस में रिश्तेदार है। वो देखे धुआं नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का आपको ट्रेन का, ये ये देखे ये सारा पहाड़ है कब्रिस्तान के पास पड़े। अच्छा देख ये नीचे है, वो पर है, ये नीचे से लगाने की कोशिश कर रहे, ऊपर जा रहे हैं, गिरेगा गिरेगा। आपको नजर आ रहे होंगे गाइस ये नथिया गली के पहाड़ जो मैंने आपको पहले गाड़ी में से दिखाया है, अब मैं यहाँ से आपको यूं जूम करके दिखा रही हूँ। देखे जी कि जिसने नथिया गली जाना है चला जाए, नथिया गली में बर्फ पड़ी हुई है, आप जा सकते हैं पटरी के पास। हाँ। आगे वो आ रहे, आगे चक्कर मुड़ेगा, ट्रेन मुड़ेगी आगे से और फिर यह निकल जाएगी हरिपुर की साइड दोबारा से, तो ये सिस्टम है, ये लास्ट ट्रेन है। कभी मेरा हुआ ना मैं आपको लेकर जाऊंगी इस इलाके दिखाने, कभी बास, अभी बास। नहीं एक और नई रोड दिखाती चलूं एबटाबाद से, जो जो नथिया गली की तरफ आता है, अब आपको एबटाबाद घुसने की जरूरत नहीं है, अब नई इंटरचेंज बन गया है। ये एलवे किससे बनाया, मजदूरों ने ये रोड बनाई है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी रोड है। अब आप नथिया गली के लिए बिल्कुल नहीं घूमिएगा, अंदर एबटाबाद में न जाइएगा, सीधा यहाँ ये रोड पकड़िएगा, उधर से उतर के मोटरवे से और इधर कैसा, तो ये रोड है, देखिए कितनी अच्छी रोड है, यहाँ पे लेफ्ट राइट डिफरेंट डिफरेंट गांव आते हैं, ये लंगरा है, आगे आगे और भी ढेर सारे गांव आएंगे, तो ये अब रोड बर्फ पड़ी है, बस हल्की सी है पड़ी। और जितमो नथिया गली जाना है हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है, मैंने पहले भी बताया था, आप जा सकते हैं, चले जाएं तब हो जाए। ये हमारा इलाका है हवेलियां, ये सारा हवेलियां नजर आ रहा है यहाँ से, लुकिंग गुड, चलो अब हम आपको बाकी हवेलियां ड्रोन शॉट पे दिखाते हैं चल के। तो फिर अब आया ये हमारा ड्रोन उड़ा है।
पहुंच चुके हैं अब्टाबाद अब्टाबाद हो रोशनियों का शहर है, लेकिन सख्त इधर रोशनी नहीं है क्योंकि रोशन पे हो सिर्फ रोशनियों का शहर अब्टाबाद। मामा किताबों का शहर अल्लाह का वास्ता है कुछ तो ओ ये रहा यहाँ का बर्नौल कॉलेज, बर्नौल लगाएं अगर आपको जलन हो तो बर्नौल लगाएं, किसी को भी जलन हो तो बर्नौल लगाएं, तो ये वो बर्नौल है समझ गए। यस ये लगाने वाली बर्नौल मीर हो गया तुम अकेले अकेले छुप छुप के हमें। तो गाइस अब हम अपने बात से वापस मुड़ रहे हैं और ये आज मैं आपको अली भाई की भी जन्मभूमि दिखा दूँ, पहले हमने अपनी दिखाई थी तो जी यहाँ पे अली भाई शरीफ आए थे। हाँ जी हाँ ये अली भाई शरीफ की जन्मभूमि है, ये शख्स है वो, ये मैं आपको रोशनी में दिखा दूँ, ये शख्स है वो जो यहाँ पे मैं ये शख्स हमारा भाई यहाँ से की पैदाइश है और जी ये हाफिज है कुरान में, इसको बहुत इल्म है कुरान का, तो जी माशाल्लाह समझ गए। ये तारीखी सही ओल्ड हिस्सा है अब्टाबाद का, तारीखी सही है मस्जिद अब्टाबाद, जामा मस्जिद अब्टाबाद है, मदनी मस्जिद है अब्टाबाद है, लिखवा दियो ना तो ज्यादा की जा रहा है इसवी है दसवीं। गाइस इस पूरे ब्लॉग में हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से कोई जगह बनाई है, अभी अली भाई ने बिल्कुल अपनी मर्जी से मस्जिद नहीं बनाई है, ये मस्जिद है, ये जामा मस्जिद अब्टाबाद है, ये पुराना अब्टाबाद है, दिस इज कॉल्ड अब्टाबाद सिटी स्टॉप है, अब्टाबाद सिटी पहले यही होती थी चाचा, ये अब्टाबाद का स्टॉप है, ये अब्टाबाद है, ये अब्टाबाद पुराना अब्टाबाद इसको कहते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ शहरों से और काकुल के लिए जो फौजी कैडेट्स आते थे उन वो बसेस लेके यहाँ पे उतरते थे, ये बताओ। हाँ, ये पता चल गया उनको, ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ की। ठीक है अब ये कितना पुराना वो पेट्रोल पंप है ये बिकता है, हमारे बचपन से नहीं है ये भी लेना यार पानी। ये देखें ये तारे डुले हुए हैं, ये आपको सारी शिमला पहाड़ी नजर आ रही होगी, ये रात में ही व्यू अच्छा है वैसे, सच्ची बात बताऊं वजह क्यों है क्योंकि लोगों ने खुद ही यहाँ गंदगी की। देखिए आपको मोटरवे भी नजर आ रही होगी, वो छोटी लाइटें जो लंबी लंबी है, ये टनल्स है यहाँ पे, ओके ओके ओके, दो चार टनल क्योंकि अब आप ये सलहड आई नहीं है। हाँ ये अब सलहड है। अच्छा खोदा कब्र की भी एक तारीख है क्या कि एक दफा रोशनी में आपको सारा करना, नहीं वो नहीं मुमकिन नहीं, नहीं प्यारा हमारे होते हुए मुमकिन नहीं है क्योंकि हम लोग पहुंचते ही यहाँ पे और इस वक्त ये अब्टाबाद की सारी अभी दुकानें भी बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी रात होती है, हम पिंडी वालों को पता होगा कि उनकी रात 2-3 बजे तक भी नहीं होती है। फरीदुल्ला की फेमस मछली है अब्टाबाद की, आपने बहुत नाम सुना होगा तो वो ये है, लेकिन जायके की जायका एक नंबर का भी नहीं है तो इसलिए मत खाने आना। गाइस ये इस जगह का नाम है खोता कब्र, अब इसके पीछे मैं खोता कब्र के पीछे मैं आपको हिस्सा सुनाती हूँ, हवेलियाँ जो मैंने आपको पहले आखिरी स्टेशन दिखाया था वहाँ से जब सामान आता था तो वो गधों पे लोड होता था, वो लोड होके यहाँ पर आता था, यहाँ पे अस्तबल में, अस्तबल था खोतों का, यहाँ पे खोतों का मालिक और खोते आराम फरमाते थे और चाइनीज लोग भी। हाँ और चाइनीज लोग भी। हाँ और चाइनीज लोग, उनकी बड़ी यारी है ना खोतों की और चाइनीज की। फिर वो लोग मैं भूल रही हूँ सॉरी, फिर वो लोग आगे पहाड़ चले, आगे पहाड़, आगे अब्टाबाद चले जाते हैं। हाँ अब्टाबाद साइड पहाड़ चढ़े, यहाँ से चाइना तक जाते थे। हाँ और फिर आगे चाइना वगैरह तक जाते थे, तो इसलिए इसका नाम पता नहीं आगे चाइना ही है, कब्र नाम है, क्या पता इन्होंने एक दो खोते दफनाए भी हों।
काबुल, न्यू काबुल, न्यू काबुल रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल हम मशहूर ही नहीं कर रहे। और जी हम लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा वो नहीं है, वो मेकअप तो दो ना, क्या करते हो कल? ओहो ओहो, कुछ हो गया, क्या हो जाता है फूड ब्लॉगर्स को? अब ये पूछो आपने कैसे बनाया। हमारा कहवा भी आ चुका है अब खाने के बाद। अब देखिए हमारा कहवा भी आ चुका है, अब हम खाने के बाद हम कहवा पिएंगे। बड़ी बांद्री अम्मी बांद्री बांद्रो, और ये हम दोनों क्यूट बच्चे, क्यूट बच्चे सबसे बेस्ट। ओके गाइस, तो आज का व्लॉग आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज हमने आपको वो हिस्ट्री बताई जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता। तो इसी तरह अगला फिर व्लॉग आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे व्लॉग को प्लीज बोलो बोलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। अल्लाह अब मैं सोफिस्टिकेटेड बन के बात करूंगी, बात करो बात करूंगी। कलर काली गाली है ना, जो गाली काली कलर की गाली, उस पे शफ लग चुका है सोफिस्टिकेटेड।